नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद विशाल सर इन एसोसिएशन विद अन अकेडमी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से अपने हाल चाल एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाउ आर यू ऑल, कैसा चल रहा सब कुछ? तो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का डेली करंट अफेयर शो में, जो कि हमारा डेली चलता है शाम को 6:30 बजे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री। डेली शाम को 6:30 बजे मेरी फ्री करंट अफेयर की क्लास चलती है नॉलेज विद विशाल सर YouTube चैनल पर। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्री क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सेशन को लाइक और शेयर कर दें, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम सभी वनडे एग्जाम्स के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, खास करके जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप सीडीएस सीएपीएफ एनडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो गाइज स्वागत है, आज है तारीख हमारी 8 सितंबर और आज के करंट अफेयर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइज मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से नहीं चल पा रही है, आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप अनअकैडमी प्लस पे मुझको फॉलो कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर डिफेंस कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, आप मेरी फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इस आईडी से इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको आपको मेरे फ्री क्लास के लिंक्स मिलते रहें। इसके अलावा गाइज हमारा अनअकैडमी पे एनसीईआरटी का जनरल स्टडीज बैच स्टार्ट हो चुका है आज से। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी प्लस पे खरीदते हैं, यूज कीजिएगा रेफरल कोड विशाल सर लाइव, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, और हमारी कैटेगरी के प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो आप अगर कोई भी कोर्स लेना प्लान कर रहे हैं तो आप जल्दी से ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको मेरे सारी नोट्स वगैरह, फ्री क्लास के लिंक्स, सब कुछ आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप कोई कोर्स नहीं भी खरीद सकते, कोई इशू नहीं है, मेरी फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं। साइड में मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा है unacademy@vishal, इसको सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं सीधा। ये जो करंट अफेयर क्लास यहाँ पे चल रही है, इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास के जस्ट बाद इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दें, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वॉइस लाउड और क्लियर होगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली सुर्खियां क्या है गाइस, तो बात करते हैं ये। इंडिया कोविड बैटर्ड, केरला स्टेट नाउ अलर्ट ऑन नीपा वायरस। ऑलरेडी हम एक कोविड से नहीं निपट पा रहे हैं, लेकिन एक वायरस और आ चुका है हमारी जान खाने, जिसका नाम है नीपा वायरस। तो चर्चा करेंगे नीपा वायरस के बारे में, क्या है नीपा वायरस, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर में, और केरल में 12 साल के बच्चे की मौत क्यों हो गई इससे आखिरकार, पढ़ेंगे इसके बारे में। What is the new BH series registration plates for vehicles? एक नई BH series आई है गाड़ियों के लिए, ठीक है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपको लगता है कि आपका ट्रांसफर होता रहता है, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको एक नई नंबर प्लेट मिल जाए, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है ये। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से कवर किया है इसके बारे में। इसके अलावा अगली सुर्खी जो है, अगली जो न्यूज है वो क्या है, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज अन्वेष सेट टू स्टार्ट फील्ड ट्रायल। तो भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज अन्वेष जो है वो तैयार हो चुका है, उसका सी ट्रायल चल रहा है, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज अन्वेष समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। अन्वेष का इंपॉर्टेंस है इसकी इंडियन नेवी के अंदर। अगली बात, न्यूली डिस्कवर्ड नेपोलियन हैट विद डीएनए प्रीव्यूज इन हांगकांग। जो नेपोलियन बोनापार्टी थे, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर या फ्रांस के अंदर, उनकी एक टोपी पाई गई है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये नेपोलियन की असली टोपी है, ये टोपी हांगकांग में पाई गई है, और माना जा रहा है कि इस टोपी में नेपोलियन बोनापार्टी का डीएनए मिला है। तो दबा के बोनी लग रही है इस टोपी की, है ना, लोग उमड़ चुके हैं इस टोपी को खरीदने के लिए। ऐसी कोई चीज अगर मिल जाती है तो आपको पता है लोग फिर उसे छोड़ते नहीं है। इसके अलावा एकदम लेटेस्ट खबर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी न्यूज, फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया है कि महिलाएं अब ज्वाइन करेंगी नेशनल डिफेंस एकेडमी, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट आई है इसके बारे में। अभी 3 घंटे पहले की अपडेट है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, अभी जस्ट 3 घंटे पहले खबर आई है ये, ठीक है। इसके बाद इंडियन बायोलॉजिस्ट विंस ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन, एक भारतीय बायोलॉजिस्ट को अवार्ड मिला है कछुओं का संरक्षण करने के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा वो भारतीय है जिसको कछुए का संरक्षण करने के लिए अवार्ड मिला है, पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, तमिलनाडु टू गेट इंडिया फर्स्ट एवर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तमिलनाडु जो है, ये डुगोंग एक प्रकार का जानवर होता है, मैमल होता है एक प्रकार का ये, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कंजर्वेशन के लिए भी तमिलनाडु एक जो है जगह बनाने जा रहा है, ठीक है। ये जो डुगोंग है एक प्रकार का जानवर होता है, एक प्रकार का मैमल होता है, तो इसके संरक्षण के लिए भी तमिलनाडु की सरकार
एक रिजर्व पार्क मान लो एक जगह बनाने जा रही है जहां पे इनकी सुरक्षा करी जाएगी पालक बे में, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे देखा गया 8 सितंबर को आज के दिन। ये अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे का क्या मतलब है इसके बारे में जानेंगे। अगली खबर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही एक्साइज ऑफसेट इंडेक्स हाल ही में न्यूज में है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको जो मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था। नेक्स्ट, सतीश परेख अपॉइंटेड एज अ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया प्रेसिडेंट। सतीश परेख को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, कौन है ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है जहां से पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं, और ये सभी करंट अफेयर आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहां पर एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल कोट आप सभी के लिए, माय फेथ इज बिगर देन माय फियर। एक बहुत ही छोटी सी लाइन है लेकिन इस छोटी सी लाइन का बहुत ही गहरा मतलब है, माय फेथ इज बिगर देन माय फियर। कई बार जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जब कई बार जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में एक डर रहता है कि यार पता नहीं मैं निकाल पाऊंगा भी या नहीं पाऊंगा, घर वाले क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, है ना, उन्होंने मेरे को कोचिंग के लिए पैसे दे दिए, अनअकैडमी पे सेशन भी दिला दिया पापा ने, अब एग्जाम नहीं निकला तो मतलब क्या होगा, घर वाले सुनाएंगे, ताने मारते हैं। एक्चुअली हमारे भारत के अंदर ना टोंटबाजी बहुत ज्यादा है, घर वाले ताने वगैरह कुछ ज्यादा ही मारते हैं, और ये एक के साथ नहीं होता, ये बहुतों के साथ होता है। बहुत ही रेयर परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे फैमिली मेंबर्स मतलब टॉन्ट नहीं मारते, मतलब बहुत बहुत बच्चों की कंप्लेन कई बार आती है कि सर आज मम्मी ने ऐसा बोल दिया, पापा ने ऐसा बोल दिया, सर डर लगता है पता नहीं पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब ये बहुत आम है हमारे भारत के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं वो डर सबके अंदर है, लेकिन आपको ना सबसे पहली चीज अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मैंने तैयारी बहुत अच्छे से करी हुई है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने इस एग्जाम को निकालने के लिए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम इंसान से बड़ा नहीं होता, ये आप भी मानेंगे, है ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैंने इस एग्जाम को निकालने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत करी है ना, अपनी दोस्ती यारी छोड़कर अपने आपको पूरा सेक्रीफाइस कर मैंने एग्जाम की तैयारी करी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, गारंटी है कि आपका एग्जाम निकलेगा। वो नहीं निकलेगा तो हो सकता है उससे बड़ा एग्जाम निकले, पर निकलेगा जरूर। तो चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसी मोटिवेशन के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन को एक बार दबा के लाइक कर दो और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, चलिए। और जो भी नए बच्चे हैं गाइज, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, unacademy.vishal, यहां पे आपको मिलेंगे मेरी फ्री क्लासेस के सारे लिंक्स, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दें, क्या सेशन शुरू किया जाए, क्या सभी लर्नर्स आ चुके हैं, क्या सेशन को हम लोग स्टार्ट करें, फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। हो जाता बेटा, चलिए सभी लर्नर्स आ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दें तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली सुर्खी देखिए क्या बनी है, इंडियाज कोविड बटर्ड, सॉरी टू से मैं मार्कर जरा सही कर लूं, ठीक है, हाँ, इंडियाज कोविड बटर्ड केरल स्टेट नाउ ऑन अलर्ट फॉर नीपा वायरस। भारत का कोविड पस्त केरल राज्य अब नीपा वायरस के लिए अलर्ट पर है। देखिए इसका क्या मतलब है लर्नर्स, आप सभी को पहले मैं बता दूं, केरल एक्चुअली मेरा खुद का भाई केरल में ही पोस्टिंग है, मेरा कजन ब्रदर नेवी में ही है, तो मैंने उससे एक बार बोला कि यार मुझे भी केरल घूमना है, आ जाऊं क्या, तो उसने बोला भाई अभी मत आ, केरला का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे कोरोना वायरस के बहुत केसेस हैं। तो भाई हमने अपना फिर प्लान कैंसिल कर लिया, वैसे इंडिया में कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो केरल के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, केरल महाराष्ट्र ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां कोविड-19 बहुत ज्यादा फैल गया था। अब ऑलरेडी अभी तक केरल जो राज्य है, अगर आप अभी हाल ही में देखोगे तो केरल राज्य अभी कोरोना वायरस से मुक्त नहीं हुआ है, वहां ऑलरेडी कोविड-19 के इतने केस हैं। अब वहां पर एक नया वायरस आ चुका है, नीपा वायरस। क्या सर ये नया वायरस है? नहीं, ये नीपा वायरस जो है ये मलेशिया में पाया गया था, एक जगह नीपा के अंदर 1999 में, मतलब पहली बार जो नीपा वायरस है ये मलेशिया के अंदर पाया गया था 1999 में। तो मलेशिया के अंदर एक जगह है नीपा, मलेशिया के अंदर एक जगह है नीपा जहां पर पहली बार ये वायरस पाया गया था 1999 में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, तभी से हम इसको नीपा वायरस बोलते हैं, बिकॉज मलेशिया के अंदर नीपा जगह में पाया गया था, तभी इसका नाम पड़ गया नीपा वायरस, ठीक। तो ये नया वायरस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इस वायरस के बारे में आपका इंटरेस्ट और बन जाए, आप इस चीज को ध्यान से सुनो, तो मैं आपको स्टार्टिंग में एक दो अच्छी बातें बता दूं, अच्छी बातें इन द सेंस चौंकाने वाली बातें, गलत वे में मत लेना, ठीक है, चौंकाने वाली बातें। ऐसा माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को नीपा वायरस हो गया तो लगभग 60-65% चांस है, 60-65% चांस है कि वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि अगर मान के चलिए कि 100 लोगों को अगर नीपा वायरस हो गया, ठीक है, तो 100 में से 60 या 65 निपट जाएंगे इस वायरस से, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ समय पहले 18 लोगों को, ठीक है, नीपा वायरस हुआ था, इफ आई एम राइट, केरल में, तो 18 में से 17 लोगों की मौत हो गई थी, आप अंदाजा लगा लो
ठीक है, बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं मालूम जहां पे कुछ लोगों को नीपा वायरस हुआ था और जितनों को हुआ था सारे के सारे निपट गए थे। मतलब आप मान लो कि ये वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है। आप सभी को पता कि कोविड 19 कितनी तेजी से पूरे विश्व में फैला, इंडिया में एक दिन में 40,000 से 45,000 केस आ रहे थे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें ना तो कोविड 19 में मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन नीपा वायरस के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर ये 100 लोगों को हो गया तो 60 से 65 लोग खत्म हो जाएंगे इस वायरस से, इतना खतरनाक वायरस है। सर एक बात बताइए, ये वायरस हमारी बॉडी में घुसता कैसे है, और फिर जब ये वायरस हमारी बॉडी में घुस जाता है तो सर ये कहां पर अपना असर करता है, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहली बात, इस वायरस को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अपने साथ लिखते रहना, ये वायरस एक जूनोटिक वायरस है, ये एक जूनोटिक वायरस है, ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब ये जानवर से इंसान में फैलता है, ठीक है। कोई भी ऐसी बीमारी जो जानवर से इंसान में फैल जाए, कोई भी ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन बींग में फैल जाए, उसको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो ये एक जूनोटिक बीमारी है, एक जूनोटिक वायरस है। सर एक बात बताओ, कोविड 19 भी जूनोटिक है? बिल्कुल, आप कोविड 19 को जूनोटिक वायरस बोल सकते हो, लेकिन अभी हर तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है, हर प्रकार से प्रूफ नहीं हुआ है कि कोविड 19 जूनोटिक है। हाँ, ये हमें पता है कि कोविड 19 जानवर से ही फैला है, ऐसे हमने कई सारे अजम्पशन लगा रखे हैं। हम ऐसा मानते भी हैं कि कोरोना वायरस भी जानवर से ही इंसान के शरीर में आया है, बट अभी ढंग से ये चीज प्रूफ नहीं हुई है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन नीपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जानवर से ही इंसान में आया है, यह बात सिद्ध हो चुकी है, यह बात प्रूफ हो चुकी है, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें नीपा वायरस के बारे में, तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि सर ये फैलता कैसे है। तो आइए मैं आपको यहां पर चित्र दिखाता हूं, ये चित्र आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहां पे एक दिख रहा होगा चमगादड़। अच्छा, एक बात देखोगे सर, हमने इतनी बार करंट अफेयर पढ़े, ये सारे के सारे वायरस लेके चमगादड़ ही उड़ता रहता है क्या? इसने ठेका ले रखा क्या? अब क्या करें, ऐसा देखा जाता है, हम क्या करें। मैं भी कई बार चौंक जाता हूं ये चीज देख के। मतलब जब भी किसी वायरस के बारे में पढ़ो तो पता है ऐसा चित्र आएगा, वहां पे देखा होगा कि चमगादड़ उड़ रहा होगा, फिर कुत्ते बिल्ली को फैला रहा होगा, कुत्ते बिल्ली हमें काट रहे होंगे, फिर हमें हो जाएगा। ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो भैया ये जो वायरस है, ये जो नीपा वायरस है, ये भी चमगादड़ से ही फैला है। पहले तो ये बताओ कि सर ये नीपा वायरस चमगादड़ के अंदर कैसे आया, वो हमें नहीं जानना, वो हमारे काम की चीज नहीं है। चमगादड़ के अंदर मान लो नीपा वायरस है, इस चमगादड़ ने मान ले इस पिग को, इस सुअर को काट लिया, चमगादड़ ने सुअर को काट लिया, इस सुअर का मीट इस इंसान ने खा लिया, इस इंसान को नीपा वायरस हो गया, इसने बाकी को फैला दिया। अच्छा ठीक है, तो अब आप देखो कि ये चमगादड़ है, इसने सुअर को काट लिया, सुअर में वायरस पहुंच गया इसके काटने से, फिर सुअर को इंसान ने खा लिया, इसने अपने घर जाके सबको, दादी मामा चाचा को, दीदी को, अंकल को फैला दिया। तो इस प्रकार से वायरस फैलता है। अगर ये नीपा वायरस एक बार हमारे शरीर में आ जाए तो सर ये किस किस पार्ट को इफेक्ट करता है? अगर नीपा वायरस एक बार हमारे शरीर में आ जाए तो बेटा ये सीधा इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे ब्रेन वाले हिस्से को, ठीक है। आपका जो ब्रेन है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, जो दिमाग वाला हिस्सा है, जो ब्रेन वाला हिस्सा है, यहां पे स्वेलिंग हो जाती है, और अगर ये स्वेलिंग ज्यादा बढ़ गई तो इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है बेटा। तो नीपा वायरस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब सर एक बात हमें बताइए कि नीपा वायरस जो है ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि बेटा अभी अभी क्या देखा गया है कि केरल के अंदर एक 12 साल के बच्चे की इस वायरस से मौत हो गई। तो सोच के देखिए, केरल के अंदर एक 12 साल के बच्चे की इस वायरस से मौत हो गई। तो ये आपके सामने केरला का मैप है, बिल्कुल सर हमें दिख पा रहा है। तो केरल के अंदर आपको यहां पे एक जिला मिलेगा कोझिकोड़े, तो कोझिकोड़े एक जिला आपको यहां पे दिखेगा केरल के अंदर, यहां पे 12 साल के बच्चे की एक मौत हो गई है। तो यहां पर कन्नूर, कोझिकोड़े और मल्लापुरम, ये जो तीन जिले आपको केरल के अंदर दिख रहे हैं, यहां पे हाई अलर्ट हो चुका है, मतलब प्रॉपर तहकीकात चल रही है, घरों में भी चेकिंग शुरू हो गई है, टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी है केरल की सरकार, ताकि ये वायरस फैल ना जाए। क्योंकि एक कोविड 19 के फैलने से क्या हुआ है भारत में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो भैया ये नीपा वायरस ना फैल जाए, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि जैसे कोविड 19 तो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत स्पीड से फैलता है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो नीपा वायरस है ना, ये फैलता तो है लेकिन इसकी स्पीड फैलने की थोड़ी सी कम है, कोरोना वायरस से कम स्पीड में फैलता है। ऐसा नहीं कहूंगा फैलता नहीं है, फैलता है, बट जिस गति से, जिस स्पीड के साथ कोविड 19 फैलता है ना, उतनी तेज गति के साथ ही नहीं फैलता। तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि हमें ऑलरेडी पता है कि इस केरला के अंदर कोविड 19 के बहुत से केस पॉजिटिव हैं, है ना। अभी ये केरल कोविड 19 से भी उभर के बाहर नहीं आया कि यहां पर नीपा वायरस ने भी जो है शरण ले ली, यहां पर नीपा वायरस भी आ गया है। तो कई सारे लोग केरल टूरिज्म जो है घूमने जाते हैं, केरल का प्लान करते हैं, फिलहाल करके अभी केरल से थोड़ा सा दूर रहिए। जब यहां पे स्थिति सही हो जाए
तो आप लोग केरल के दर्शन कराना, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज केरल एक बहुत अच्छी प्लेस है टूरिज्म के लिए, पर्यटक के लिए, घूमने के लिए। मैंने खुद प्लान किया था, लेकिन कुछ समय के लिए अपना प्लान अभी कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे जो 12 साल के बच्चे की मौत हुई है, उसके संपर्क में जितने भी लोग आए थे, कहा जा रहा है कि लगभग 200 से 250 लोगों से वो बच्चा मिला था, तो उन सबको आइसोलेट कर दिया गया है। और आपको बता दूं, शुरू में केरल के अंदर शुरू में इस बच्चे के अंदर ये निपा वायरस पाया गया, और अभी केरल के अंदर माना जा रहा है कि लगभग 10 से 15 केस ऐसे हैं जिनको निपा वायरस, मतलब जिनकी बॉडी में निपा वायरस पॉजिटिव है। तो आप लगा लो कि पहले उस बच्चे की मौत होगी 12 साल की, और अभी केरल में 10 से 15 लोगों के आसपास लोग हैं जिनको ये वायरस हो रखा है। तो ये वायरस फैल ना जाए, उन 10-15 से बढ़ ना जाए, ठीक है, हमारा देश दोबारा एक संकट में ना जाए, क्योंकि हम पहले इस कोविड-19 से ही निपट लें, इससे तो भाई हम बाद में निपटेंगे, है ना। तो इसलिए अभी केरल के अंदर थोड़ा हाई अलर्ट हो चुका है, माहौल थोड़ा गर्म है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्या सर इसकी कोई दवाई नहीं है? फिलहाल मैं आपको बता दूं, चाहे आपका कोरोना वायरस हो, चाहे आपका नीपा वायरस हो, ठीक है, इसकी कोई ऐसी बहुत अच्छी वैक्सीन नहीं है। कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है, लेकिन आपको पता है वो भी पूरा प्रॉपर इलाज नहीं है, है ना। कोविशील्ड लगा लो, कोवैक्सीन लगा लो, वो कोई प्रॉपर 100% इलाज तो है नहीं कि आपने एक बार वैक्सीन लगा ली तो आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। तो इसी प्रकार से नीपा वायरस की भी कोई वैक्सीन फिलहाल नहीं है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक है बेटा। तो चलिए सेशन में मैं आपको नीपा वायरस के बारे में समझाऊंगा। ये बायलिंगुअल पीडीएफ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 1998-1999 में पहली बार मलेशिया में पाया गया था ये, ठीक है, ओके। तो इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको यहां पे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो क्या कह सकते हैं हम, चमगादड़ है, बैट आपको दिख रहा होगा, यही बैट जिम्मेदार है इस प्रकार के वायरस लेके, यही जानवर घूमते हैं। क्लियर एवरीवन? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो शैल वी स्टार्ट? तो आई होप यहां तक कहानी सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो अगली खबर की ओर आइए। सिम्टम्स वगैरह वही है यार, फीवर हो जाता है, उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, वो सब इतना पढ़ने की नीड नहीं है, सिम्टम पेपर में कोई पूछेगा नहीं। अगली खबर के ऊपर आइए, अगली खबर काफी अच्छी आई है, आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। व्हाट इज द न्यू BH सीरीज रजिस्ट्रेशन प्लेट्स फॉर व्हीकल्स? इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज न्यू BH सीरीज रजिस्ट्रेशन प्लेट्स फॉर व्हीकल्स, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। वाहनों के लिए नई BH सीरीज पंजीकरण प्लेट क्या है? वाहनों के लिए नई BH सीरीज पंजीकरण प्लेट क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं, आप सबके पास गाड़ियां होंगी, है ना, आप सबके पास कार होगी, गाड़ियां होंगी, आप सभी ने देखोगे आपके पास जो कार होती है उस कार की अगर आपने नंबर प्लेट देखी हो तो कार की नंबर प्लेट पे सबसे पहले आपके स्टेट का कोड होता है। जैसे कि ये कार है, ठीक है, ये कार आपके सामने खड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, तो हमें देख के पता चल रहा है कि कार दिल्ली की है, है ना। यहाँ पे डीएल लिखा है, डीएल मतलब दिल्ली। अब मैंने, ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास कोई कार है, ठीक है, तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो मेरी कार की जो नंबर प्लेट है उसके आगे लिखा होगा यूके। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी कार के आगे लिखा होगा MH, MH मतलब महाराष्ट्र। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपकी कार के आगे जो नंबर प्लेट है उसमें TN लिखा होगा, यानी कि तमिलनाडु। तो आप देखना कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहीं पे आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप वहां पे जब कोई कार खरीदते हैं तो नंबर प्लेट जब शुरू होती है तो शुरू में आपके स्टेट का कोड होता है, ठीक है सर। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये नई नंबर सीरीज लाने की बात क्यों करी गई? सर हमें पहले ये बताइए, देखो मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। होता क्या है कि कहीं सारे सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जैसे कि मैं तुम लोगों का एग्जांपल देता हूं, तुम लोग सबसे बेस्ट हो एग्जांपल देने के लिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम सब लोग सरकारी नौकरी पर लग जाओगे, क्योंकि यहां पे कई सारे बच्चे यूपीएससी वाले हैं, कुछ रेलवे एसएससी वाले भी क्या पता आ गए हों, और कई सारे बच्चे डिफेंस वाले हैं। कुल मिला के आप सबका टारगेट है सरकारी नौकरी पर लगना, ठीक है। कल को मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रे करता हूं कि आप सब जिस सरकारी नौकरी पर लगना चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका मान लो सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया, अब सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने का मतलब ये तो है नहीं कि आप एक ही जगह नौकरी करते रहोगे, आपका ट्रांसफर भी आएगा, आपकी पोस्टिंग भी आएगी। मान लो कि आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, कभी आप जम्मू कश्मीर, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल प्रदेश, अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग आती रहेगी, ट्रांसफर आता रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, और आपकी अब पोस्टिंग आ रही है, कभी आप महाराष्ट्र, कभी सरकार ने आपको तमिलनाडु भेज दिया, कभी आपको अंडमान निकोबार भेज दिया, तो आप एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पा रहे हो, आपका ट्रांसफर होते जा रहा है हर दो दो तीन तीन चार चार सालों में। तो दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या आती है, जरा दिक्कत समझो, दिक्कत क्या आती है। देखिए यहां पर थोड़ा मार्कर का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं उत्तराखंड से, ठीक है, मैं उत्तराखंड में रहता हूं, मैं उत्तराखंड का एग्जांपल लेता हूं,
और मान के चलिए मैंने यहां पे लिख दिया तमिलनाडु, ठीक है। मान लीजिए कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, और अब सरकार ने जो है मुझे पोस्टिंग दे दी तमिलनाडु में, लेकिन गाड़ी जो मैंने खरीदी थी, कार जो मैंने खरीदी थी, वो मैंने उत्तराखंड में खरीदी है, सरकार ने मुझे भेज दिया तमिलनाडु में, मैं अपने परिवार के साथ तमिलनाडु शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मैं उत्तराखंड की गाड़ी क्या करूंगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं अपनी कार को तमिलनाडु ले जा लूंगा, वहां चलाऊंगा। एक साल तक तो मैं दूसरे राज्य में अपनी कार चला सकता हूं, लेकिन अगर एक साल बाद मुझे सरकार के लोगों ने पकड़ लिया, रोड ट्रांसपोर्ट वालों ने पकड़ लिया, तो रोड ट्रांसपोर्ट वाले मुझे बोलेंगे, भैया तू दूसरे स्टेट की गाड़ी, तू उत्तराखंड की गाड़ी तमिलनाडु में कैसे चला रहा है, ला भैया इसका रोड टैक्स दे हमें, इसका कर भर, इसका टैक्स दे हमें। तो मैं बोलूंगा क्यों टैक्स दूं, मैंने कार खरीदी है उत्तराखंड में, तो मैंने कभी फालतू टैक्स नहीं दिया, ठीक है, आप मुझे कह रहे हो तमिलनाडु में टैक्स भर। अगर मान लो मैंने गाड़ी उत्तराखंड में खरीदी है, तो मैं दूसरे स्टेट में 12 महीने चला सकता हूं बस अपनी कार, उसके बाद अगर मुझे सरकार ने पकड़ लिया तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है कि तमिलनाडु के अंदर सरकारी लोग मुझे पकड़ लेंगे, बोलेंगे तेरी गाड़ी उत्तराखंड की है, अब जो है हमें टैक्स भर। तो मैं बोलूंगा जो टैक्स मुझे भरना था वो मैं ऑलरेडी उत्तराखंड में भर चुका हूं, जो टैक्स मुझे भरना था वो मैं उत्तराखंड में भर चुका हूं। तो यहां पे तमिलनाडु की सरकार बोलेगी उत्तराखंड में भरना टैक्स, हमें थोड़ी तूने दिया है, तूने टैक्स हमें थोड़ी दिया है, ठीक है, तो हमें टैक्स दे। वो टैक्स तो उत्तराखंड की सरकार के पास गया, हमें भी टैक्स चाहिए, ठीक है। अब यार मैं दो जगह टैक्स थोड़ी दूंगा, अब मैं दो जगह टैक्स क्यों दूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे, मेरा पैसा तो टैक्स में चल जाएगा। तो यहां पर सरकार ने अब एक नई चीज सोची है कि जो भी लोग ट्रांसफर होते रहते हैं, जिन भी लोगों की पोस्टिंग आती रहती है, तो इन जैसे लोगों के लिए एक नई नंबर प्लेट बनाई जाएगी, और वही नंबर प्लेट कराएगी भारत नंबर प्लेट। तो यहां पे आप देखिए, आपके सामने एक नई नंबर प्लेट में दिखा रहा हूं। अब 15 सितंबर से चीज शुरू होने जा रही है, 15 सितंबर से यह चीज शुरू होने जा रही है, अब नई नंबर प्लेट आएगी भारत नंबर प्लेट। तो यहां पर BH का मतलब क्या है, भारत, यहां पर BH का मतलब है भारत। तो अब जो भी लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है, पोस्टिंग होती रहती है, अब उनका इतना नुकसान नहीं होने वाला। अब आपको 15 सितंबर के बाद से आपको भारत नंबर प्लेट मिलेगी, इस जैसी नंबर प्लेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पंजीकरण कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, 21, 21 मतलब जिस साल आपने गाड़ी ली है, ठीक है। BH का मतलब यहां पे भारत, अब भारत का मतलब यह है कि अब आपकी कार के आगे स्टेट का कोड नहीं होगा, अब आप उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपकी नंबर प्लेट के आगे, आपकी नंबर प्लेट के आगे स्टेट का कोड नहीं होगा, BH लिखा होगा। BH का मतलब भारत, ठीक है, BH का मतलब भारत, ये गाड़ी अब कहीं भी जा सकती है, ठीक है, ये गाड़ी का नंबर और आगे कुछ कोड और होंगे, ठीक है। तो अब इस प्रकार की नंबर प्लेट आने वाली है, स्टेट का कोड अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सुनना मेरी बात, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अब आपके मन में आएगा कि सर सरकारी नौकरी के लिए है, नहीं, चाहे सरकारी नौकरी वाले हों चाहे प्राइवेट नौकरी वाले हों, प्राइवेट नौकरी वाले भी इस प्रकार की नंबर प्लेट ले सकते हैं। अब मान लो कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही कॉमन सी कंपनी है HCL, HCL एक बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर के फील्ड में, जितना आपने सुना होगा, या आप एक काम करो HCL को भी छोड़ो, आपने एक बहुत कॉमन नाम सुना होगा कंपनी का, सैमसंग, सैमसंग कंपनी का नाम सबने सुना होगा। अब सैमसंग एक प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई भी भारत के अंदर कोई भी अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी है, अगर भारत के अंदर कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसके ऑफिस भारत के अंदर 4 जगहों पर है कम से कम, अगर भारत के अंदर कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी है, अगर भारत के अंदर कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसके ऑफिस भारत के अंदर कम से कम 4 जगहों पे हैं, तो उस कंपनी के जो इंप्लॉयज हैं वो भी इस प्रकार की नंबर प्लेट के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले ही कर सकते हैं, आप प्राइवेट नौकरी अगर कर रहे हो तो आपकी कंपनी के सेंटर भारत के अंदर 4 जगहों पर होने चाहिए, 4 जगहों पर आपकी कंपनी के ऑफिस होने चाहिए, तो ऐसे लोग भी एलिजिबल हैं। बाकी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग जो लोग PSU हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि इस नंबर प्लेट के लिए आप जो पंजीकरण करोगे, अब जैसे कि देखो अभी आप इस प्रकार की नंबर प्लेट देखते हो, दिल्ली लिखा है ना, इस प्रकार की नंबर प्लेट आप देखते हो, ये गाड़ी देख के बता दोगे आप ये हरियाणा की गाड़ी है, बिकॉज बाहर लिखा है HR, है ना, इसको देख के आपने बता दिया दिल्ली गाड़ी है, बाहर लिखा है DL। अब इसको देख के पता नहीं चलेगा ये गाड़ी किस स्टेट की है, ठीक है, तो यहां पर लिखा है BH यानी कि भारत, ठीक है। तो इन जैसे लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है, यहां पर सीखने वाली बात क्या है वो मैं आपको जरा बताता हूं, सीखने वाली बात सीख लो जरा एक बार, एक सेकंड रुकिए, यहां पर जो सीखने वाली बात है लर्नर्स वो क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सुना ध्यान से, यहां पर सीखने वाली बात क्या है कि यहां पर ये जो भारत, ये जो BH यहां पर लिखा है, एक सेकंड रुकिए, मार्कर क्या हो गया, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर जो लिखा है सुनना ध्यान से, जैसे यहां पर लिखा है BH, है ना,
तो अगर आप ये बीएच वाली नंबर प्लेट के लिए पंजीकरण करते हो, है ना, अगर आप पहले तो आप अपना सरकार को डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि मैं सरकारी नौकरी पे हूं, ये मेरी आईडी है, चेक कर लीजिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सरकार को पहले प्रूफ दे दो, सरकार को पहले दिखा दो अपना कागज कि मैं एक सरकारी नौकरी पे काम करता हूं, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद सरकार आपका पंजीकरण करेगी 15 साल के लिए, सरकार आपका रजिस्ट्रेशन करेगी 15 साल के लिए। मतलब आपने पहले सरकार को दिखा दिया कि आप सरकारी नौकरी करते हो, ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इस वाली नंबर प्लेट के लिए, सरकार आपका रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए करेगी। लेकिन ये एक बार में पूरा 15 साल के लिए नहीं हो जाएगा। मतलब सर, सरकार आपका इस वाली नंबर प्लेट के लिए, सरकार आपका इस वाली नंबर प्लेट के लिए 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करेगी, लेकिन पता कैसे, दो साल, कितना हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 1। अब आप देखो, दो साल यहां पे देखा जरा, टू इयर्स और 1 ईयर। तो अगर आप यहां पे कैलकुलेट, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, मतलब सरकार शुरू में आपका पंजीकरण 2 साल के लिए करेगी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि मैं एक सरकारी नौकरी वाला हूं, मेरा ट्रांसफर गुजरात में आ गया, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे जिंदगी भर गुजरात में रहना है, हो सकता है कल को गुजरात के बाद केरल आ जाए, केरल के बाद फिर तमिलनाडु आ जाए। तो ओवरऑल जो सरकार करेगी हमारा पंजीकरण 15 साल के लिए करेगी, लेकिन 2-2 साल के गैप में, ठीक है। जैसे कि सरकार ने पहले मुझे 2 साल के लिए, मैं गुजरात चले गया, तो मैंने 2 साल के लिए पंजीकरण किया इस नंबर प्लेट का। अब 2 साल बाद मान लो मुझे किसी और स्टेट में जाना है, तो मैं वहां जाके उस स्टेट का पंजीकरण कर दूंगा। फिर मान लो मुझे मेरा ट्रांसफर किसी और राज्य में आना है, तो 2 साल के लिए मैं उस राज्य में जाके वहां का पंजीकरण कर दूंगा। तो कहने का मतलब, टोटल तो 15 साल रहेगा, लेकिन 2-2 साल के गैप में। तो कुल मिलाकर सरकार आपको 15 साल के लिए परमिट करेगी कि 15 साल तक के लिए आप इस प्लेट का पंजीकरण करा सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस भी स्टेट में आप जाओगे, पहले वहां पे 2 साल के लिए कराओ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग फिर किसी और स्टेट में आ जाए, तो जब वहां जाओगे तो अगला 2 साल का वहां करा लेना, फिर वहां से कहीं और जाओगे तो अगले 2 साल का वहां करा लेना, और लास्ट में जब 14 साल निपट जाएंगे तो 1 साल बचेगा, फिर 1 साल का कहीं और करा लेना। तो यह है सरकार की पूरी स्कीम, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। एक बार अप्लाई कर दें, क्लियर एवरीवन गाइस, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या ड्रामा है पूरा, ठीक है। तो ये है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यार देखो, होता क्या है कि जब हमारे, अब जैसे मान लो मैं उत्तराखंड के अंदर, मेरी गाड़ी उत्तराखंड की है, ठीक है, मेरी कार उत्तराखंड की है। अब मैं मान लो कि मैं अपनी गाड़ी किसी दूसरे स्टेट में 1 साल से ज्यादा चला रहा हूं, अगर मेरी गाड़ी पकड़ी गई तो मुझे भारी पेनल्टी देनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा भारी पेनल्टी, ठीक है। अब मान लो मेरी गाड़ी उत्तराखंड की है, लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी किसी और स्टेट में चला रहा हूं ना, और 1 साल से ज्यादा मुझे हो गया दूसरे स्टेट में चलाते चलाते, तो बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। छोड़ते नहीं है सरकारी लोग, दबा के पैसा निकाल लेते हैं। तो इसलिए यह स्कीम बढ़िया है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो आप ध्यान रखना, तो इसी को बोलते हैं न्यू भारत सीरीज, इसी को बोलते हैं न्यू बीएच सीरीज। तो ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गाइज, आपको पता है कि वाहनों के रूल, गाड़ियों के रूल के लिए एक कानून है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इट्स नॉट रिलेवेंट, आगे बढ़िए, ठीक है। तो अगली खबर की ओर चलते हैं, अगली खबर देखिए, अगली खबर डिफेंस की है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा करते हैं। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज अन्वेष साइट टू स्टार्ट सी ट्रायल। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज अन्वेष समुद्री परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज अन्वेष सेट टू सी ट्रायल। आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या है ये, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको इसके बारे में पहले बता दूं, सुनिएगा ध्यान से क्या बोलती है। देखो यार, आप सभी को पता है, ठीक है, मिसाइल टेस्ट रेंज क्या होता है। अगर आज भारत ने कोई भी मिसाइल बनाई, भाई मिसाइल हम क्यों बनाते हैं, दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए, है ना, हमारे पास भी मिसाइल वगैरह होनी चाहिए। अगर कभी दुश्मन ने हमारे ऊपर मिसाइल दाग दी तो हमें उसका नुकसान करने के लिए तो मिसाइल चाहिए। तो मिसाइल एक ऐसा हथियार होता है जिसको हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम दुश्मन के ऊपर हमला कर सकें बहुत बड़े स्केल पे, है ना। तो अगर आज हम कोई मिसाइल बना रहे हैं तो उस मिसाइल के लिए हमारे पास एक टेस्ट करने की जगह भी होनी चाहिए, है ना, ताकि जो मिसाइल हमने बनाई है हम चेक कर लें मिसाइल सही भी है या खराब बन गई, है ना। कोई भी मशीन भी अगर आज हम बनाते हैं तो पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि भैया जो चीज हमने बनाई है ये सही भी है या गलत है, या गलत तो नहीं बन गई, जिस तरीके से बनाई है उस तरीके से उपयोग में आ भी रही है नहीं आ रही है, है ना।
तो मिसाइल जो है एक बहुत बड़ा हथियार होता है जो बहुत बड़े लेवल पे नुकसान कर सकता है आपके दुश्मन का। अब सुना मेरी बात। अब अगर आप भारत की बात करोगे तो आपने भारत के अंदर उड़ीसा जो राज्य है ना, भारत के अंदर जो उड़ीसा राज्य पड़ता है ईस्ट में, उड़ीसा के अंदर आपने सुना होगा अब्दुल कलाम आइलैंड करके, जहां से हम मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं, है ना। उड़ीसा के अंदर एक अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जगह है जहां पर हम मिसाइलों की टेस्टिंग करते हैं। अब होता क्या है कि अब हम मिसाइलों की टेस्टिंग करेंगे एक समुद्री जहाज से। हमने इंडियन नेवी के अंदर, हमने भारतीय नौसेना के अंदर एक ऐसा जहाज बना दिया है जिस जहाज से हम मिसाइलों की टेस्टिंग करेंगे। यह भारत का पहला ऐसा जहाज है जहां से आप मिसाइलों की टेस्टिंग कर सकते हो। मतलब अभी तक तो मैं धरती से मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा था, अभी तक तो मैं धरती वाले एरिया से मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा था, अब मैं समुद्र में चलते हुए जहाज से मिसाइलों की टेस्टिंग कर सकूंगा। तो भारत के अंदर मान लो अब क्या है कि हमारी भारतीय नौसेना ने एक जहाज बना के तैयार कर लिया है जिसका नाम है अन्वेष। अभी एक दो महीने में यह कमीशन हो जाएगा नेवी के अंदर। तो ये अन्वेष एक ऐसा जहाज है जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इस जहाज को बनाया है। लगभग 9000 टन इसका वजन है, सोच के देखिए। और इस अन्वेष जहाज का प्रॉपर डिजाइन जिसने बनाया है वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने इस जहाज का डिजाइन बनाया है, इस जहाज को बना के तैयार किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि केरल के अंदर है। और 9000 टन इस जहाज का वजन है। अब आप सोच के देख लो, इतना भारी वजन का जहाज है ये। अब ये अंकुश जहाज ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। अब आप देखो, ये जहाज समुद्र में जा चुका है, और इसी जहाज से हम क्या कर रहे हैं, मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहे हैं। ताकि मतलब मिसाइलों की टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि भैया जिस सोच समझ के साथ हमने मिसाइल बनाई है ना, जिस टारगेट के साथ हमने मिसाइल बनाई है, क्या मिसाइल उसी तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। मैंने क्या बोला, अगर आज हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो पहले उसकी टेस्टिंग तो करेंगे ना। ये थोड़ी बेचनी शुरू कर दी। आज कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो, कोई भी मशीन बनाते हो, एसी, कूलर, गाड़ी, फ्रिज, बंगला, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर आप आज इलेक्ट्रिकल गाड़ी बनाते हो, मशीन बनाते हो, तो उसकी पहले टेस्टिंग तो करोगे ना कि वो सही तरीके से इस्तेमाल में आ भी रही है नहीं आ रही है। अब आज हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई तो बिना टेस्टिंग के थोड़ी लोगों को लगा दी, पहले टेस्टिंग हुई, जब उसके रिजल्ट अच्छा है तब लोगों को लगाई ना। तो ऐसी ये मिसाइल है, तो मिसाइल की टेस्टिंग करने के लिए हमने एक जहाज तैयार कर दिया। सर एक बात बताओ, ये उड़ीसा से भी तो टेस्टिंग चल रही थी, वहां क्या दिक्कत आ गई? सुना मेरी बात, अगर आप किसी धरती से, उड़ीसा क्या है, एक लैंड है, एक धरती है जहां पे लोग रहते हैं, अगर आप वहां से टेस्टिंग कराओगे ना तो आसपास के सारे गांव खाली कराने पड़ते हैं, लोगों को अलग अलग दूरी पे, डिस्टेंस पे भेज दिया जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब मान लो कि उड़ीसा के अंदर आप बार बार टेस्टिंग करने जा रहे हो मिसाइल, अब हम लोग को हर दूसरे साल में मिसाइल बनाते रहते हैं, अब मान लो कि हम बार बार अगर उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में मिसाइल को टेस्ट करने जाएंगे तो वहां के जो लोकल लोग हैं ना, वो पूरे गांव हमें पहले खाली कराने पड़ते हैं, लोगों को बहुत दूर दूर भेज दिया जाता है, तब जाके मिसाइल की टेस्टिंग होती है। क्योंकि अगर मिसाइल गलत तरीके से वहां फट गई तो पता नहीं कितनों की जाने चली जाएंगी। अब समुद्र में क्या है, इस जहाज को मैंने समुद्र में भेज दिया, मान लो इंडियन ओशन के बीच में भेज दिया, और वहां जाके हमने एक मिसाइल की टेस्टिंग कर ली, तो अगर मान लो मिसाइल गलत तरीके से फट भी गई तो कम से कम कोई मरेगा तो नहीं। तो यह है इसका उद्देश्य। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कहानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा सेशन को शेयर करने में कंजूसी क्यों है, पूरी जान लगा के रख दी तुम्हारे सामने यार, सेशन को लाइक और शेयर तो करो कम से कम फटाफट। और जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आगे यार, जरा दिखा दो ना कि सीडीएस और डिफेंस में भी कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां पे अन्वेष के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अन्वेष क्या है। तो अन्वेष इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज विल कमेंस इट्स सी ट्रायल दिस मंथ। तो इस महीने इसके सी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। सी ट्रायल का मतलब समुद्र में इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले 2 महीने के अंदर हम इसको नौसेना में कमीशन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा और इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। तो हिंदी इंग्लिश में नोट्स तैयार है। कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है, डीआरडीओ ने इसका डिजाइन तैयार किया है। इसका वजन कितना है, इसका वजन है 9000 टन। ठीक है, चलिए तो बेटा आगे चलते हैं। तो चलिए ठीक है,
ओके ओके, तो चलिए अगली अगली खबर की ओर चलते हैं। तो यहां पर अगली खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है। अब जब भी हिस्ट्री का कुछ करंट अफेयर में आता है ना, मैं कभी नहीं छोड़ता, मतलब पर्सनली आई लव कि जब भी हिस्ट्री का कुछ करंट अफेयर में आ जाए, ठीक है, और तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, न्यूली डिस्कवर्ड नेपोलियन हेड विद डीएनए प्रीव्यूज इन हांगकांग। हांगकांग में डीएनए पूर्वावलोकन के साथ नई खोजी गई नेपोलियन टोपी। तो आप देखो, पहले इस व्यक्ति ने, मैं आपको जरा पहले बता दूं, ठीक है, ये देखो, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये हांगकांग की फोटो है, ये फोटो हांगकांग की है, और ये बिना बाल वाला व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा हुआ है चश्मा लगा के, इसने अपने हाथों में नेपोलियन बोनापार्टी की टोपी पकड़ी हुई है। तो ये देखो आप, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, अब आप ढंग से देखो, ये टोपी पकड़ी हुई है इसने, ये टोपी है नेपोलियन बोनापार्टी की। सर आपको कैसे पता है कि ये नेपोलियन की टोपी है? आप गए थे क्या देखने, या आप तब जिंदा थे? सुनो मेरी बात, ये जो टोपी हांगकांग के अंदर मिली है एक म्यूजियम में, हांगकांग के अंदर एक म्यूजियम में ये टोपी पाई गई है, और इस टोपी के अंदर नेपोलियन बोनापार्टी का डीएनए पाया गया है, डीएनए, ठीक है। तो नेपोलियन की ये टोपी हांगकांग में पाई गई है, और हांगकांग के लोगों का, या जिस म्यूजियम में टोपी पाई गई है, उनका कहना है कि इस टोपी के अंदर नेपोलियन बोनापार्टी का डीएनए पाया गया है। अब यार, हमारे इतिहास में कुछ लोग बड़े बड़े महान रहे हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े महान लोग हमारे इतिहास में रहे हैं, हिटलर हो गया, नेपोलियन बोनापार्टी, महात्मा गांधी, है ना, आपके मतलब मार्टिन लूथर, किंग मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, मतलब अगर आप देखोगे तो हमारे इतिहास में कुछ लोग बहुत महान रहे हैं, जिनके बारे में बहुत मन करता है हमारा जाने का, समुद्र गुप्ता, सम्राट अशोक, अकबर, है ना, मतलब बहुत बड़े बड़े किरदार रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले इसकी रेलेवेंस जान लें। तो आपके सामने पहले यहाँ चित्र है, कहीं को ये नहीं पता होगा नेपोलियन बोनापार्टे है कौन, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ने का मजा ही अलग हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो देखिए, यह है नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, ये फ्रांस की जो आर्मी थी, फ्रांस की आर्मी के जनरल बन गए थे, फ्रांस की आर्मी के एक बहुत बड़े कमांडर बन गए थे, तो फ्रांस की मिलिट्री के एक बहुत बड़े नेता थे ये, फ्रांस की मिलिट्री के एक बहुत बड़े कमांडर, लीडर, नेता थे ये आपके सामने नेपोलियन बोनापार्टे। और देखिए, इस तरीके से घोड़े में बैठ के जाया करते थे, और ये इनकी टोपी आपको दिख रही होगी। तो देखो, जो टोपी आपको इनको यहां पे पहने हुए देख रहे हो, वही टोपी उस व्यक्ति ने अपने हाथ में ले रखी थी, देख रहे हो, तो ये नेपोलियन बोनापार्टे है, और ये टोपी लगाए हुए आपको दिख रहे होंगे, तो जब भी लड़ाई वगैरह लड़ने जाते थे तो ऐसी टोपी पहन के जाते थे ये। अब सर एक बात बताइए, ये नेपोलियन बोनापार्टे है कौन, और ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में छाप दिया? तो चलिए थोड़ी सी कहानी नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है, मजा आएगा आपको, सुनेगा ध्यान से। हमारे इतिहास के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार है नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्टे का इतिहास फ्रांस से जुड़ा हुआ है, फ्रांस देश का नाम सभी ने सुना होगा, फ्रांस जो कि यूरोप के अंदर एक देश है। ये एक ऐसे नेता है जो जिनके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक ऐसे नेता रहे हैं, ये एक ऐसे फौजी रहे हैं, एक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं फ्रांस की आर्मी के, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अच्छा सर, ऐसा कैसा आप कह सकते हो? देखिए मैं आपको बताता हूं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, सुनना ध्यान से। एक्चुअली इनकी जो माता है, इनकी जो मदर थी, वो इटली से बिलोंग करती थी, ठीक है, तो इनको जो भाषा बोलनी आती थी वो थी इटालियन, इनकी माता इटली से थी तो इटालियन बोलते थे, लेकिन ये अपनी पढ़ाई फ्रांस से कर रहे थे, तो फ्रांस के स्कूलों में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, तो ये फिर फ्रांस भाषा बोलने लग गए, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या था कि अब इनकी जो मुंह बोली भाषा थी वो क्या थी? वो थी इटालियन, क्योंकि इनकी माता इटली से थी, तो ये ना फ्रांस भाषा जब बोलते थे ना, या फ्रेंच भाषा बोलने का जब प्रयास करते थे तो अटक जाते थे, तो इनके साथ के लड़के लड़कियां इनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, और इनको वो बात बहुत बुरी लग जाती थी। फिर इन्होंने खैर ट्वेल्थ करी, फिर इन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करी, ठीक है, फ्रांस मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए, ठीक है, फ्रांस मिलिट्री एकेडमी, जैसे आज हमारे देश में नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसी प्रकार से जब इन्होंने अपना ट्वेल्थ किया, तो ट्वेल्थ के बाद इन्होंने फ्रांस मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, वहां से इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग करी, फ्रांस फ्रेंच भाषा बोलने में भी बिल्कुल परफेक्ट हो गए, और जैसी इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो इनको पद मिलता है सेकंड लेफ्टिनेंट का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेना के अंदर अपनी नौकरी शुरू करी, फ्रांस की आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद से इन्होंने अपनी नौकरी शुरू करी। लेकिन ये भाई साहब ऐसे थे ना, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया, सर्दिना के ऊपर हमला किया, बड़े बड़े देशों के ऊपर हमला करके सबको अपने नीचे लेके आ गए। कहा जाता था कि यूरोप के कई सारे देशों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था, यूरोप के कई सारे देशों के ऊपर इनका कब्जा हो गया था। इन्होंने जब पहली शादी करी, तो पहली शादी करने के बाद इनका बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो इनको ये बात थोड़ी बुरी लग गई। फिर उन्होंने दूसरी शादी करी, तब इनका बच्चा पैदा हुआ।
ठीक है, तो मतलब अलग ही लेवल के आदमी थे ये। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत भी आ रहे थे, सुन रहे हो, ये भारत, इन्होंने भारत आने का पूरा प्लान बना लिया था कि मैं भारत पे जाऊंगा और भारत के ऊपर भी कब्जा कर लूंगा। लेकिन उस समय पे क्या था कि हमारे भारत के ऊपर रूल करने, शासन करने ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करने आ गए थे और ब्रिटिशर्स से हार गए थे। ऐसा कहीं सारे इतिहासकारियों का मानना है कि अगर ये ब्रिटिशर्स से ना हारते तो इंडिया को भी गुलाम बना लेते। तो इंडिया आना, जब इन्होंने सोचा कि मैं इंडिया भी जाऊंगा, इंडिया पे भी कब्जा करूंगा, तो ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया था, तभी ये इंडिया नहीं आ पाए। ये बात ध्यान रखना, वरना क्या पता हमारे इतिहास में इनका भी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता महात्मा गांधी के साथ। अच्छा, फिर हुआ क्या इनका, इन्होंने बस अपनी जिंदगी में एक छोटी सी गलती कर दी। ये बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीते, यूरोप के कई सारे देशों में इनका कब्जा था। फिर क्या हुआ, हुआ क्या कि एक बार इन्होंने प्लान किया कि अब मैं रशिया के ऊपर हमला करूंगा, लगभग 5.5 लाख सिपाहियों के साथ। ये भाई साहब रशिया निकल गए, लगभग 5.5 लाख सिपाहियों के साथ ये रशिया निकल गए। और जब ये रशिया गए तो रशिया गए थे 5.5 लाख सिपाहियों के साथ। अब होता क्या कि रशिया में ठंड बहुत थी, इतनी ज्यादा ठंड थी कि बर्फ पड़ रही थी, ठीक है, तो इनके कई सारे सिपाही तो वो ठंड झेल नहीं पाए, वो रास्ते में मर गए। तो जब ये रशिया गए तो रशिया में इन्होंने युद्ध जीता भी, युद्ध जीत के जब ये रशिया से वापस आए ना, तो वापस आते हुए फिर इतनी ठंड पड़ गई रशिया में कि इनके आते हुए भी कई सारे सिपाही ठंड की चपेट में आके मर गए। तो सोचो, गए थे 5.5 लाख और वापस आए 1 लाख, तो सोच के देखो कि कहां 5.5 लाख सिपाहियों के साथ ये आदमी रशिया गया था, और जब रशिया से वापस आया जंग जीत के तो मात्र 1 लाख सिपाहियों के साथ आया, इतना नुकसान हो गया था। तो उस टाइम पे काफी कमजोर हो गया, तो यूरोप के कई सारे देशों पे इसने कब्जा भी किया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद लाइक आप कह सकते हो नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, कई सारे यूरोप के देशों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम सब देश मिलके इसके ऊपर हमला करते हैं, इसको मार देते हैं, वरना ये तो पूरे यूरोप पे कब्जा कर जाएगा। तो कई सारे यूरोप के देश आपस में मिले और 1815 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में एक युद्ध हुआ वाटरलू का, ठीक है, 1815 में एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ वाटरलू। ये युद्ध हुआ 1815 में, और इस युद्ध पे कहीं, मतलब इस युद्ध में कहीं सारे यूरोपियन देशों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। इस मतलब आप सोच लो कि इसकी सेना इतनी कम हो चुकी थी, और 1815 में एक युद्ध हुआ बैटल ऑफ वाटरलू, इस युद्ध में कहीं सारे यूरोपियन देशों ने इसके ऊपर हमला कर दिया और वहां पर यह हार गया। उसके बाद 6 साल तक इसको एक जेल के अंदर बंदी बना के रखा गया, और 6 साल बाद इसकी मौत हो गई क्योंकि इसको जहर दे दिया गया था। तो 1815 में युद्ध हारा, उसके बाद 6 साल तक इसको बंदी बना के रखा, फिर 1821 में इसको जहर दे दिया गया और जहर से इसकी मौत हो गई। तो ये है नेपोलियन बोनापार्टे, जिन्होंने फ्रांस के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले किया है, फ्रांस के लोगों के लिए कई सारे डेवलपमेंट किए हैं, फ्रांस के लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पता नहीं क्या क्या नहीं खोला इन्होंने अपने देश फ्रांस के लिए, बहुत से डेवलपमेंट, बहुत से विकास इन्होंने करे हैं। और इसी नेपोलियन बोनापार्टे की कैप पाई गई है हांगकांग के अंदर, जिसकी अब बोनी लग रही है, कई सारे लोग इसकी बोनी लगा रहे हैं, ठीक है। तो यह है नेपोलियन बोनापार्टे, इनकी हाल ही में कैप पाई गई है हांगकांग में, ठीक है बेटा। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आपको बहुत सी खबर जानने को मिल गई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये थे हमारे नेपोलियन बोनापार्टे, ये नोट्स बायलिंगुअल में डाल दूंगा। चलो, अब जिस खबर का इंतजार कहीं सारी लड़कियों को था, लड़कों को भी था, आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। वुमेन अलॉटेड टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी गिवन परमानेंट कमीशन, ठीक है, सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। देखो, बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट करी जा रही थी कि महिलाओं को एनडीए में एडमिशन मिले, समानता का अधिकार महिलाओं को मिले, राइट टू इक्वलिटी महिलाओं को भी मिले, जो कि नहीं मिल रही है। भाई, लड़कों का हक है एनडीए में जाना, महिलाओं का नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, इसने कुछ समय पहले केंद्र सरकार को आदेश दिए थे कि कैसे भी करके भैया आप इस चीज को क्लियर करो और महिलाओं को भी एनडीए ज्वाइन कराओ 10+2 के बाद। तो फाइनली आज की खबर आ चुकी है, जो आपकी केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि बिल्कुल अब हम तैयार हैं महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम दिलवाने के लिए, लेकिन इस साल हम पेपर नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि अभी एनडीए में अगर हम इसी साल से महिलाओं को एनडीए के एग्जाम में बिठा देंगे, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बेटा क्या दिक्कत आ सकती है, जरा खुल के बताओ, हम भी तो जाने क्या दिक्कत आ सकती है।
तो यहां पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सुप्रीम कोर्ट बात ऐसी है, दिक्कत यह आ सकती है कि अभी एनडीए के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। अब अगर लड़कियों को एनडीए में एडमिशन दिलवाना है, अगर लड़कियों को भी एनडीए एग्जाम में बिठाना है, तो वहां पे एक अलग से कैंपस बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी जहां पे महिलाओं को रुकाएंगे, जहां पे महिलाएं रहेंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, एनडीए की बिल्डिंग में जहां लड़के रहते हैं वहां तो लड़कियों को भेजोगे नहीं, है ना, वहां माहौल खराब हो जाएगा। तो मुद्दा यह है कि अभी कैंपस पूरा रेडी नहीं है, तो इस साल प्रॉपर तरीके से कैंपस रेडी किया जाएगा, एनडीए में कुछ और बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जहां पे महिलाओं को रखा जाए, जहां अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हो, है ना, कि महिलाओं का पूरा डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ेगा तभी तो फोकस कर पाएंगे ट्रेनिंग पे। लड़कियों का फोकस अपनी ट्रेनिंग पे रहेगा, बॉयज का अपनी पे रहेगा। तो इस साल प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा और पूरी उम्मीद है कि अगले साल से एनडीए एग्जाम में लड़कियां भी बैठ पाएंगी और लड़कियों का भी जो एक सपना हुआ करता है सेना में जाने का, वो 12वीं के बाद ही पूरा कर पाएंगी थ्रू नेशनल डिफेंस एग्जामिनेशन। तो ये खबर एकदम लेटेस्ट है आप सभी के लिए, तो जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो, अगले साल से लड़कियां एनडीए एग्जाम में बैठ पाएंगी। इस साल क्यों नहीं बैठ पाएंगी उसका कारण मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गए हैं सब, ठीक है ठीक है। एक लड़का कह रहा है कि मुझे बॉल पार्टी में बुला लेना। बेटा तुम्हें बॉल पार्टी में भी बुलाएंगे, तुम्हें बेटा भंडारे में बुलाएंगे, आराम से घबराओ मत, ठीक है, बॉल पार्टी में भी तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है, माता देवी का भंडारा होगा तुम्हें वहां भी बुलाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत तो होने दो मामले की, अगले साल शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें बॉल पार्टी बैट पार्टी सब में बुलाएंगे, टेंशन मत लो, बस शुरू होने दो मामला, ठीक है। चलिए आइए आगे, तो अगली खबर की ओर चलते हैं, द हिंदू की अगली खबर के बारे में चलते हैं। आइए, तो यह मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में सारे जो कारण है वो ये सब लिखे हैं। तो एनडीए ज्वाइन करके लड़कियां नेवी एयरफोर्स आर्मी तीनों में जा सकेंगी, ध्यान रखना, ठीक है, और महिलाओं को यहां पे परमानेंट कमीशन, स्थायी कमीशन भी मिल पाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चर्चा करते हैं, चलो अगली खबर की ओर चर्चा करते हैं, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए, इंडियाज बायोलॉजिस्ट विन ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन। अब भैया टर्टल, एक बार हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहे थे और एक बच्चे ने बोला सर ये टर्टल क्या होता है, व्हाट इज दिस टर्टल, हमने कहा टर्टल इज कछुआ, है ना। तो आइए, तो सर कह रहा है कच्छा, मैंने कहा नॉट कच्छा, इट इज कछुआ, ओके, समझो भावनाओं को, ठीक है। तो भैया टर्टल एक जानवर है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, टर्टल को हम कछुआ बोलते हैं हिंदी में, कछुआ, है ना, सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग होते नहीं जान पाते, कुछ ज्यादा ही, चलो खैर कहीं बोले आओ। इंडियन बायोलॉजिस्ट विंस ग्लोबल अवार्ड इन टर्टल कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना। तो ये भाई साहब आपको दिख रहे हैं, इन भाई साहब ने तीन प्रकार के कछुओं की जातियों को बचाया है, इन भाई साहब ने तीन प्रकार के टर्टल्स की जातियों को बचाया है, कंजर्व किया है, उनका संरक्षण किया है। तो तीन प्रकार के टर्टल्स की जातियों को बचाने के लिए इनको दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है। भारत के अंदर इस समय पर टर्टोटाइज और टर्टल्स की 29 प्रकार की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी, भारत के अंदर आज के समय पर 29 प्रकार की टर्टोटाइज और टर्टल्स की स्पीशीज जातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आइए अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो आइए, तो भैया इन भाई साहब को पुरस्कार कौन सा मिला है जरा ये जान लेते हैं। तो इन भाई साहब को जो पुरस्कार मिला है बेटा, वो देखो इनका नाम है शैलेंद्र सिंह, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह, और इनको बेटा जो पुरस्कार मिला है उसका नाम है बहेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। सुन लो ध्यान से, इनको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है बहेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हिंदी में कहते हैं बहेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस व्यक्ति को, शैलेंद्र सिंह को, जो कि एक भारतीय जीव विज्ञानी है, एक भारतीय बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, ओके। आगे अगर हम लोग बात करें तो सर ये बहेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड कब से दिया जा रहा है, तो बेटा ये पुरस्कार 2006 से दिया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति सुनना मेरी बात को ध्यान से, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कछुओं का संरक्षण करता है, उनकी जान को बचाता है, ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इस पुरस्कार को हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से सर, बेटा इसको नोबल प्राइज ऑफ टर्टल कंजर्वेशन भी बोलते हैं, इस पुरस्कार को नोबल प्राइज ऑफ टर्टल कंजर्वेशन भी बोलते हैं, कछुआ संरक्षण के नोबल पुरस्कार के नाम से भी यह पुरस्कार जाना जाता है, ठीक है बेटा। तो पेपर में आएगा कि भैया 2021 में अभी बहेलर टर्टल कंजर्वेशन पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो ध्यान रखना इनका नाम है शैलेंद्र सिंह।
तो इन्होंने कुछ कछुओं की जातियों को बचाया है, कछुओं की जाति बचाने के लिए इनको मिला है ये पुरस्कार। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर हमारे पास एक जानवर है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मतलब आजकल जानवरों के ऊपर बहुत ही करंट अफेयर बनने लगे हैं। तो देखिए, व्हाट आर द डुगोंग्स एंड वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो देखिए, सबसे पहले तो बेटा यह समझना है कि डुगोंग कौन होते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो आइए खबर क्या है जरा इसके बारे में जानते हैं। तो डुगोंग भी एक प्रकार का जानवर है। सर कैसा जानवर है? मैंने यहां पर लिख दिया हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मैमल। अब मैंने यहां पे लिख दिया हर्बीवोरस मैमल, ठीक है। अब आप सभी को पता है मैमल ऐसे जानवर होते हैं जो दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर। दूध पिलाने वाले जानवर को हम मैमल बोलते हैं, सभी को पता होगा। दूध पिलाने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम मैमल बोलते हैं, ठीक। और हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। ये जो आपको यहां पे जानवर दिख रहा है, ये पानी के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो भैया इनकी इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। देखो कभी भी आपके सामने एक शब्द आता ना कंजर्वेशन, कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब होता है जानवर को बचाना, कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब होता है बचाना, संरक्षण करना। तो ये जो जानवर है ये आपको वेल मछली की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। इस जानवर को हम बोलते हैं डुगोंग। ये एक ऐसा जानवर है जिसको आप कह सकते हो हर्बीवोरस मैमल। मैमल मतलब एक ऐसा जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है या दूध पिलाने वाला जानवर। मैमल मतलब दूध पिलाने वाला जानवर, और हर्बीवोरस मान लो एक शाकाहारी जानवर, मतलब जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज नहीं खाता। अच्छा अब हुआ क्या, खबर क्या है कि ये जो डुगोंग जानवर है जो पानी में आपको देखने को मिलता है, इसकी भी जनसंख्या कम होती जा रही है। क्यों, ये क्यों मरता जा रहा है, इसकी संख्या क्यों कम होती जा रही है? बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आप सभी को पता है कि पानी में हम लोग कितनी गंदगी मचा के रखते हैं, अपने गली मोहल्ले का सारा गंदा पानी आज के समय पे हम लोग समुद्रों तक पहुंचा रहे हैं। पता आपको, हमारी गली मोहल्ले का जितना भी गंदा पानी है ये सब हम समुद्रों तक पहुंचा रहे हैं, और समुद्र का पानी इतना गंदा होता जा रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, वो मर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अभी अगर आपको याद हो तो पिछले दो दिनों से हम लोगों ने करंट अफेयर्स में कितना कुछ पढ़ा एयर पॉल्यूशन के बारे में, याद करो वायु प्रदूषण के बारे में कितना कुछ पढ़ा हम लोगों ने। और अब आप देखो आपके सामने फिर एक खबर आ गई वाटर पॉल्यूशन को लेकर, समुद्र को इतना गंदा हम लोग कर दे रहे हैं कि भैया इस प्रकार के जानवर की मौत हो रही है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो इनको बचाने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए आपको बता दूं, पालक बे जो तमिलनाडु के पास जगह पड़ती है, पालक बे जो तमिलनाडु के पास जगह पड़ती है, यहां पर इनको बचाने के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर इनको रखा जाएगा और इनकी सुरक्षा संरक्षण किया जाएगा, इनकी सुरक्षा करी जाएगी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो इस बात को ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, तमिलनाडु सरकार के विधानसभा सत्र के दौरान तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्रन ने भारत के पहले डुगोंग, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना की घोषणा करी। तो मतलब भैया अब आप ये देख लो कि जो हमारे तमिलनाडु के जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, तमिलनाडु के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि इस जानवर के लिए हम एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे, एक इस जानवर को बचाने के लिए सेंटर बनाएंगे ताकि इसकी सुरक्षा करी जाए, ताकि इसकी इसकी संख्या जो है कम ना हो, इसकी जातियां खत्म ना हो जाएं। तो इनको बचाने के लिए जो संरक्षण सेंटर बनाया जाएगा वो पालक बे में बनाया जाएगा। पालक बे तमिलनाडु के दक्षिण कोस्ट पर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये देख सकते हैं आप जानवर कितना प्यारा जानवर है, सच अ नाइस। अगर वाकई में असली होता तो मैं ऐसे करके स्माइल देके फोटो खिंचवा लेता, लेकिन क्या करें पता है मतलब मौका ही नहीं मिलता यार कहीं जाने का। मतलब वाकई में सो क्यूट, इट्स सच अ सो क्यूट, मतलब क्या ही बोलें, बहुत ही प्यारा जानवर है ये, है ना। तो आप लोग भी जो है इस जानवर को का स्टेटस जरा लगाएं, शेयर करें, इनकी जाने जो है खतरे में यार। हम लोगों ने इतना ज्यादा पानी गंदा कर दिया है कि क्या करें भाई, खा मत जाना मुझे, मैं थोड़ा दूरी हट जाता हूँ, कहीं गुस्सा आ जाए, कहीं पकड़ ले मुझे पानी के अंदर ही। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलिए ठीक है, तो डुगोंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन के कारण इनकी मौतें हो रही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर आइए। तो अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे मनाया गया, आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे मनाया गया, चर्चा करते हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो यहां पर क्या है, अगर हम इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे के बारे में, तो आप सभी को पता होगा लिटरेसी का मतलब क्या होता है। देखो कहीं सारे बच्चे यहां पे एक चीज बोलते हैं, भाई कहीं को यहां पर लिटरेसी का मीनिंग नहीं पता, सर लिटरेसी क्या होती है, मतलब कहीं जो है ना कि सर लिटरेसी क्या होती है। भाई देखो अब लिटरेसी का मीनिंग कहीं लोग सोचते हैं पढ़ा लिखा, अच्छी बात है, गलत नहीं कह रहे हो,
लिटरेसी का जनरली मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप लिखना और पढ़ना जानते हो। लिटरेसी का बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में मतलब पता है क्या होता है? लिटरेसी का बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मतलब ये होता है दोस्तों कि आप लिखना और पढ़ना कम से कम जानते हो, कम से कम आप लिखना और पढ़ना जानते हो, लिखना और पढ़ना जानते हो। अब आपको पता है ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी पढ़ना और लिखना भी नहीं जानते। सोचो सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा लिखना और पढ़ना जानता है, लेकिन आज भी हमारे विश्व के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लिखना और पढ़ना भी नहीं आता। ठीक है, तो जो व्यक्ति लिखना और पढ़ना जानता है उसको मैं कह सकता हूं कि वो एक लिटरेट व्यक्ति है, वो एक लिटरेट व्यक्ति है। तो अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एक संदेश पूरे विश्व में फैला सकें कि लिखना और पढ़ना बहुत जरूरी है, कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, बिकॉज अगर आज आपको लिखना और पढ़ना आता है तो आप देश के अंदर दुनिया के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। आज के समय में बिना पढ़े लिखे कि कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता तो आप बिल्कुल खत्म हो, बेकार हो, आप किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो ये दिन हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है इसी संदेश को फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, इसकी थीम आपसे कोई पूछ सकता है, कोई आपसे इसकी थीम पूछ ले तो बेटा इसकी थीम क्या है मैं आपको बता दूं। इसकी थीम गाड़ी है भैया, है इसकी थीम है इंटर एक से हाँ द थीम ऑफ 55th इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये थीम आपके सामने लिखी है, थीम बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, थीम आपके सामने है। ठीक है, मानव केंद्रित पूर्ण प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना, ये इसकी थीम है, इसे पढ़ लेना। ठीक है बेटा, अगली खबर पे आइए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज चल रही है जिसे हम बोलते हैं ऑसी इंडेक्स। ठीक है, दोनों देशों की नेवी इस एक्सरसाइज को करती है, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में एक सेना अभ्यास होता है, नेवी की एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं ऑसी इंडेक्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही एक्सरसाइज चल रही है, ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2021 में एक्सरसाइज चल रही है, तो नाम से आप समझ जाओगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। इससे क्या होता है कि दोनों देशों की नेवी काफी ताकतवर हो जाती है, दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफी अच्छे होते हैं। तो ये एक्सरसाइज अभी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही चल रही है, कब से कब तक चलेगी? 6 से 10 सितंबर तक चलेगी। अच्छा, इसमें भारतीय नेवी के कौन कौन से जहाज भाग ले रहे हैं? INS शिवालिक, INS कदमत, ये वो जहाज हैं जो इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के जहाज जो भाग ले रहे हैं उनके नाम ये लिखें, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक करंट अफेयर और है, सतीश परेख को बनाया गया है इंडियन प्रेसिडेंट, कहां का? देखो ये जो हमारे सतीश परेख हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है कहां का? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन जो है यहां का अध्यक्ष बनाया गया है, किसको? सतीश परेख को। अब सर ये सतीश परेख है कौन? बेटा आपकी जो कंपनी है अशोक बिल्डकॉन, इस कंपनी के MD हैं ये, अशोक बिल्डकॉन एक कंपनी है। ठीक है, एक आप कह सकते हो एक प्रकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अशोक बिल्डकॉन एक कंपनी है, इसके MD का नाम है सतीश परेख और इनको बनाया गया है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का अध्यक्ष। ठीक है, सीधा एक MCQ आसान सा पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं। जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको एक बार बता दूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहले यहां पे कर दूं, सुनना ध्यान से, पूरी बात सुन के जाना। आज रात 10 बजे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर मैं करंट अफेयर्स का टेस्ट लूंगा, अगस्त महीने का करंट अफेयर का टेस्ट लूंगा अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर। ठीक है, ये क्लास बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, ये क्लास टेस्ट वाली क्लास बिल्कुल फ्री होगी, लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री क्लास होगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी क्लास के बिल्कुल जस्ट बाद 11 बजे मैं CDS एग्जाम, जैसे कि नवंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं PYQ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉल्व कराऊंगा समझा के। तो ये दोनों क्लास बिल्कुल फ्री हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और सेशन को शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में जाते हुए एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देते हुए जाएं कमेंट करके कि वो कौन सा चैनल है जिसको अगर नेपोलियन बोनापार्टे पार कर लेता तो शायद से वो ब्रिटिशर्स को तबाह कर देता।
मुझे कमेंट में आंसर देके जाएंगे, वो कौन सा चैनल है जिसको अगर नेपोलियन बोनापार्टे पार कर देता तो ब्रिटिशर्स को तबाह कर देता। सेशन को लाइक कर दें, लाइक अभी तक कहीं नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली शाम को 6:30 बजे यहां चलती है करंट अफेयर क्लास। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।